Hello students, so we are doing chapter 4, that is magnetic effect of current, and today we'll study the last topics of this chapter, that is moving coil galvanometer and conversion of ammeter and voltmeter, means conversion of galvanometer to ammeter and voltmeter. So we'll study one by one. It is a very important topic. So what is moving coil galvanometer? गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है? अभी तक हमने एमीटर के बारे में पढ़ा, वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। एमीटर से हम क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं, और वोल्टमीटर से हम वोल्टेज मेजर करते हैं। सो नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर। सो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। बेसिकली एक डिवाइस जिससे हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, क्लियर। एक ऐसा डिवाइस जिससे हम करंट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, मतलब करंट की प्रेजेंस हो अगर तो हम उसको गैल्वेनोमीटर में देख सकते हैं। So there are many types of galvanometer used in the industry, such as tangent galvanometer, ballistic type galvanometer, vibrational galvanometer, western type galvanometer, reflection and mirror galvanometers. But generally western type galvanometers is used in laboratory. Generally कौन से use होते हैं galvanometer? Western type galvanometer. So here is the diagram for galvanometer. ये galvanometer का diagram है, तो इसको हम वन by वन में आपको steps में समझाऊंगा जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली galvanometer में क्या होता है, ये दो magnets होते हैं। ये galvanometer के अंदर internal diagram है, उसके अंदर कैसे क्या होता है galvanometer के। galvanometer के अंदर क्या है, दो magnets हैं, horseshoe magnets हैं, concave magnets हैं, north and south pole, clear। और यहाँ से इसकी magnetic field आ रही है, ये magnetic field show किया हुआ है। उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉयल, ये जो पिंक कलर की फोर लाइंस हैं, ये क्या है, एक तरह से कॉपर की रेक्टेंगुलर कॉयल है, क्लियर। ये किसके ऊपर, एक सॉफ्ट आयरन कोर के सिलेंडर के ऊपर रैप किया हुआ है इसको हमने। और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इसमें से करंट पास होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होती है। उस टॉर्क की वजह से जो ये इसके साथ ये है, ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर क्या करता है, मूव करता है। अगर करंट इस डायरेक्शन में है लेफ्ट टू राइट, तो पॉइंटर यहाँ जीरो से इधर मूव करेगा, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो पॉइंटर इधर मूव करेगा। अब जब पॉइंटर मूव कर जाएगा राइट में सपोज, तो वो पॉइंटर वापस कैसे आएगा, तो ये इसके लिए एक स्प्रिंग लगा होता है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, एस पी लिखा हुआ है जहाँ, तो स्प्रिंग क्या करेगा, ये स्प्रिंग इसको वापिस अपनी पोजिशन में लेके आएगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, जो इसको वापिस लेके आएगा। टॉर्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोटेशन की बात हो रही है, क्लियर। सो ये इंटरनल डायग्राम है गैल्वेनोमीटर का, ये और क्लियर अभी आपको समझाऊंगा। सो किस प्रिंसिपल पे बेस है गैल्वेनोमीटर, इससे जस्ट हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, कि अगर करंट कैरिंग लूप रखा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस करंट कैरिंग लूप पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है ना। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? सो अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क व्हिच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूस एंगुलर डिफ्लेक्शन। सो जो करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सो दैट एक्सपीरियंस अ टॉर्क व्हिच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूस एंगुलर मैग्निफिकेशन। उसमें क्या होता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन मतलब जो एरो है ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। एरो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। सो हेयर इज द इमेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, ये सब, ठीक है। आपको लैब में ऐसा गैल्वेनोमीटर देखने को मिलेगा, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब करंट यहाँ से अगर पास होगा इसके अंदर, और यहाँ ये दो एंड से जुड़ा होता है। अभी मैं आपको और अच्छे से इसको दिखाता हूँ, क्लियर। सो दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अवेलेबल इन लैब। तो इसका प्रिंसिपल आपको जरूर याद होना चाहिए, ये किस पे बेस है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और ड्यू टू दिस टॉर्क इट टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूस एंगुलर डिफ्लेक्शन। सो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन अ नॉन मैग्नेटिक एल्यूमिनियम फ्रेम। सो बेसिकली क्या है, इसमें सबसे पहले तो ये दो हमारे पास क्या है, कॉनकेव मैग्नेट रहती हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ, परमानेंट कॉनकेव मैग्नेट रहती हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड शो किया हुआ है हमने यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या बोला, अ वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो ये कॉपर वायर इंसुलेटेड है, ये ब्राउन कलर में आपको जो दिख रहा है, और ये किसके ऊपर लगा हुआ है, एक एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर, नीचे ये ब्लू कलर का एल्यूमिनियम फ्रेम है, ऑन अ नॉन मैग्नेटिक एल्यूमिनियम फ्रेम। द टू एंड्स ऑफ द एक्सल ऑफ फ्रेम आर पाइवोटेड बिटवीन ज्वेल्ड बियरिंग्स। और इसके ऊपर क्या है, यहाँ दोनों तरफ क्या है, ज्वेल्ड बियरिंग्स है, मतलब जो इसको मूव करने में हेल्प देंगी, ठीक है ना, दोनों तरफ फिक्स्ड है कि कॉइल ऐसे ही यहाँ पर ऐसे
मूव हो सकती है और इन ज्वेल्ड बियरिंग्स के साथ क्या लगा हुआ, सो द मोशन ऑफ कॉयल इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग्स ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। सो फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, देखो ये येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, ये स्प्रिंग लगा हुआ है और ये स्प्रिंग फर्दर अटैच होता है नीचे एक पॉइंट से, तो जब भी कॉयल घूमता है ये वापस एक रिस्टोरिंग टॉर्क देता है उसको वापस लाने में उस कॉयल को, क्लियर। कॉयल मूव क्यों करेगा, टॉर्क की वजह से, जो कि करंट जब फ्लो होगा इसमें, इस वायर में करंट फ्लो होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वायर, ये दोनों मैग्नेट्स के बीच में है, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। सो द इनर एंड्स ऑफ द स्प्रिंग आर सोल्डर्ड टू द टू एंड्स ऑफ कॉयल एंड द आउटर एंड्स आर बाइंडिंग, आउटर एंड्स आर कनेक्टेड विद बाइंडिंग स्क्रूज। तो ये नीचे इसके साथ बियरिंग्स के साथ एक स्क्रू है उसके साथ ये कनेक्ट होता है। सो द स्प्रिंग प्रोवाइड द रिस्टोरिंग टॉर्क एंड सर्व एज अ करंट लीड। तो जो करंट की वजह से टॉर्क आया उसको ये रिस्टोरिंग टॉर्क देता है और ये वापस ले आता है कॉइल को कहाँ पर, अपनी डायरेक्शन में जहां पर वो होती है, और जो पॉइंटर है उसको कहाँ ले आता है, जीरो पे। मतलब ये पॉइंटर ऐसे मूव कब करेगा, जब कॉइल ऐसे मूव करेगी गैल्वेनोमीटर में, और ये रिस्टोरिंग जब स्प्रिंग क्या करेगा, इस कॉइल को वापस ले आएगा, और पॉइंटर भी कहाँ आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। तो ये इधर और इधर जीरो से दोनों तरफ का क्या करता है, मूव कर सकता है पॉइंटर। सो अ लाइट एल्यूमिनियम पॉइंटर अटैच्ड टू द कॉयल मेजर इट्स डिफ्लेक्शन ऑन अ सूटेबल स्केल। तो अभी जो हमने मैंने आपको डायग्राम दिखाया इससे पहले, ये वाला ये जीरो है, ये इधर भी डिफ्लेक्ट कर सकता है और इधर भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये जो पॉइंटर है जीरो पे है, तो जब टॉर्क रोटेट करेगी बेसिकली क्या करेगा, ये इधर यहाँ इधर मूव करेगा, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इस साइड मूव करेगा, क्लियर। सो The coil is symmetrically placed between the cylindrical pole species of strong permanent horseshoe magnet. तो हमने देख लिया ये horseshoe magnet के बीच में ये arrangement रखा होता है, clear? तो अभी तक हमने ये वाला arrangement पढ़ा, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर भी magnetic field को radial रखने के लिए, ठीक है, वो क्यों रखते हैं, हम इसके लिए बारे में बात करेंगे। हम क्या करते हैं, एक soft iron और मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप इसके अंदर, उसके ऊपर इसको फ्रेम को लगा देते हैं, ठीक है ना, इसके बीच में क्या डाल जाते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर क्यों डालते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये हमने एल्यूमिनियम फ्रेम जिसके ऊपर कॉपर वायर है ये एक सिलेंडर के ऊपर रैप कर दिया, ये दो बियरिंग्स है। तो ये जो मैंने आपको गैल्वेनोमीटर भी दिखाया पिछली स्लाइड में, उसमें क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक एंड से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, पॉजिटिव एक एंड से। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर का ये डायग्राम है, और इसके दोनों तरफ क्या है, मैग्नेट है, इस सिलेंडर के दोनों तरफ क्या है, हमने पढ़ा होर्सशू मैग्नेट है, और आपको दिखाया जाऊं तो। सो अब इसमें क्या है, अगर ये मैग्नेट्स के बीच में रखा है ये कॉयल सिलेंडर, तो इसमें से अगर करंट पास करेगा, करंट फ्लो करेगा इसमें से, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में करंट पड़ा है तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स होना करंट कैरिंग लूप कितना होता है, BIL साइन थीटा, ठीक है ना, फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वजह से क्या होगा, एक यहाँ फोर्स लगेगा ऊपर और नीचे हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स में, तो फोर्स जीरो होगा, हमने टॉर्क वाले डेरिवेशन में पढ़ा था। तो फोर्स लगेगा एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, एंड दैट विल फॉर्म अ कपल विच प्रोड्यूसेस टॉर्क, और टॉर्क लगेगा जो कि क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो कॉयल क्या हो जाएगा, अब रोटेट हो जाएगा, दैट मीन्स जो इसके साथ एरो है ये भी क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्लियर। एरो भी क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो ये आपको पास जो मैंने आपको दिखाना था ये डायग्राम था, अब आपको इसकी 3D इमेज भी क्लियर हो गई होगी। तो हम इसके और आगे कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं हम। So a cylindrical soft iron core is mounted symmetrically between the concave poles of horseshoe magnet. तो cylindrical core हमने अभी देखा वो क्या, horseshoe magnets के बीच में cylindrical iron core रखा होता है। Why? Because this makes the lines of force pointing along the radii of circle. कि वो क्या करे, तो जो soft iron core होता है basically वो क्या होता है, उसकी high permeability होती है। High permeability मतलब वो अपनी तरफ मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करता है और एकदम से यूनिफॉर्म रखता है बिल्कुल, ठीक है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। सो दिस मेक्स द लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अलोंग द रेडियाई ऑफ सर्कल। तो सर्कल में हमेशा अलोंग द रेडियस उसके पॉइंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो सच अ फील्ड इज कॉल्ड रेडियल फील्ड। वाई, और रेडियल फील्ड को बेसिकली फील्ड रेडियल होनी चाहिए, जिसके लिए हमने क्या किया, वो सॉफ्ट सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर उसके ऊपर हमने पूरा रैपिंग किया, किसका, एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर जो कॉपर वायर थी उसको हमने सिलेंड्रिकल कॉइल के ऊपर रख दिया, ठीक, क्लियर, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर रख दिया।
सो द प्लेन ऑफ कॉइल रोटेटिंग इन सच अ फील्ड. अब अगर उस फील्ड में मतलब कॉनकेव मैग्नेट थे, उसके बीच में हम सिलेंड्रिकल आयरन कोर रख दिया, जो कि अब वो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया जिसके ऊपर वो फ्रेम है, एल्यूमिनियम का फ्रेम और कॉपर वायर है, वो रोटेट करेगा तो वो क्या करेगा, फील्ड को हमेशा रेडियल रखेगा. उससे क्या होता है, द प्लेन ऑफ कॉइल रोटेटिंग इन सच अ फील्ड रिमेन्स पैरेलल टू द फील्ड इन ऑल पोजिशन और द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी 90 डिग्री सो एज टू गेट द मैक्सिमम टॉर्क. हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एन बी ए साइन थीटा, है ना, एन बी ए साइन थीटा, जिसमें थीटा एंगल क्या था, थीटा एंगल था जो एरिया होता है कॉइल का उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. और मैक्सिमम टॉर्क के लिए दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री. क्लियर? सो अब देखो उससे क्या फायदा होता है हमारे को, ये डायग्राम है जो नॉर्थ साउथ कोल, ऐसे भी आपके बुक में जो डायग्राम बना हुआ है, इसके बीच में एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर कॉइल रैप है, ठीक है, ये स्प्रिंग्स हैं दोनों तरफ, हेयर स्प्रिंग्स जो क्या करते हैं, अगर ये मूव करेगा एरो तो इसको वापस एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, जितने एंगल से ये डिफ्लेक्ट होगा उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेंगे वापस जीरो पे लाने के लिए. क्लियर? सो ये देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये सिलेंड्रिकल कोर है, ठीक है ना, ये सिलेंड्रिकल कोर है, इसमें सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमेशा यहां से परपेंडिकुलर है, ठीक है ना. सो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की, जहां जो ये कॉइल मूव कर रहा है इसका क्या होगा, ये एरिया वेक्टर होगा. मैंने बोला इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. ये तो तब है जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था. सपोज करंट फ्लो कर रहा है, सपोज क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से कॉइल क्या होगा, ट्विस्ट होगा, कॉइल में टॉर्क आएगा. और वो कितना भी ट्विस्ट हो जाए, देखो कॉइल इन दोनों के बीच में, इसके कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है. सो इस 90 डिग्री के एंगल के लिए हमने बेसिकली क्या किया, इस सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया, जिसने क्या किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलोंग द रेडियस रखा, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कितना भी कॉइल रोटेट हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया वेक्टर. इसके लिए हमने क्या यूज किया, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया, ठीक है ना. और सिलेंड्रिकल कोर तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट आयरन का क्यों किया, बिकॉज द सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कॉइल इज ड्यू दैट इज यूज ड्यू टू इट्स हाई परमेबिलिटी. इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी बात करेंगे सॉफ्ट आयरन के बारे में. इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, परमेबिलिटी बहुत ज्यादा मतलब वो सारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को अपने अंदर से अलाउ करेगा पास करने के लिए. सो इट इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर और अच्छे से रीडिंग दे, और ज्यादा सेंसिटिव हो, उसके लिए हमने सिलेंड्रिकल कॉइल यूज किया सॉफ्ट आयरन का, ठीक है. सॉफ्ट आयरन का क्यों यूज किया, क्योंकि उसकी हाई परमेबिलिटी होती है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है. और सिलेंड्रिकल कॉइल क्यों यूज किया, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करना था, मतलब अलोंग द रेडियस, ये लिखा है ना, दिस मेक्स द लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अलोंग द रेडियस. इसको रेडियल करने के लिए, ताकि ये एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा 90 डिग्री का हो, हमने इसलिए सिलेंडर यूज किया, ठीक है ना. हम सिंपल कॉइल भी तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगा सकते थे कि कॉइल मूव करे, ठीक है, बट उसमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में हमेशा 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, इसलिए सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर का हमने यूज किया है यहाँ पर. So this is the construction of galvanometer. Next is the theory and working of galvanometer. That is all depends on the torque derivation. जो हमने torque में derivation किया था, बिल्कुल same है. क्यों? क्योंकि इसका principle भी क्या है? It is based on the principle that when a current carrying coil is there, so it experiences a torque in the presence of magnetic field. जिसकी वजह से क्या होता है? इसमें deflection होता है. Clear? और जितना ये rotate करता है coil, उतना ही उसके साथ जो पॉइंटर है, जो मैंने गैल्वेनोमीटर में आपको पॉइंटर दिखाया था, उसमें डिफ्लेक्शन आता है, तो हमारे को पता लगता है करंट की, कितना करंट का प्रेजेंस पता लगता है, और उसका जीरो से एंगुलर डिफ्लेक्शन पता लगता है कि कितने एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हो गया. सो इसका थ्योरी एंड वर्किंग देखते हैं हम. सो लेट आई बी द करंट फ्लोइंग, ए बी इज द साइड ऑफ कॉइल, ए इज द एरिया, कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ कॉइल, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स. ये हमने सब टॉर्क वाली जो डेरिवेशन है उसमें पढ़ चुके हैं हम इसमें. So since the magnetic field is radial, so plane is always parallel to field. The magnetic force on PQ are equally opposite, collinear is zero. Two force torque is given by. बिल्कुल same. इसमें ये वाली derivation हम बिल्कुल same हम torque में पढ़ चुके हैं. So let's see एक बार दोबारा से torque की derivation कैसे किया था हमने.
सो टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, एन आई ए बी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए साइन थीटा, और ए साइन थीटा कितना है, थीटा कितना है, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, बिकॉज द फील्ड हेयर वी टेक एज रेडियल। हमने सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर की मदद से फील्ड को रेडियल किया, जिसके कारण क्या हुआ, प्लेन जो कॉयल का प्लेन है उसका जो एरिया वेक्टर है दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो थीटा 90 डिग्री इसलिए आया, सो दैट इज इक्वल टू एन आई बी ए। ये हम टॉर्क वाले डेरिवेशन में कर चुके थे। हेयर थीटा इज 90 डिग्री बिकॉज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉयल रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड इन ऑल पोजिशन। सो दिस टॉर्क डिफ्लेक्ट्स द कॉयल थ्रू एन एंगल अल्फा। सो अब ये जितना मैंने बोला कॉयल है, जो जितना मूव करेगा उतना वो जो उसके ऊपर पॉइंटर लगा हुआ है, जो गैल्वेनोमीटर के ऊपर पॉइंट कर रहा है, वो भी क्या करेगा, उतना डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। सपोज टॉर्क जो टाउ टॉर्क लगा, उसकी वजह से उसमें अल्फा डिफ्लेक्शन आया, ठीक है ना, अल्फा एंगल का डिफ्लेक्शन आया उसमें। सो दिस टॉर्क डिफ्लेक्ट द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा एंड रिस्टोरिंग टॉर्क इज सेट अप ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग। और स्प्रिंग ने क्या किया, उसको जितना ये मूव करेगा उतना ही एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, ठीक है ना। सो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लगेगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, ऑब्वियसली दैट इज प्रोपोर्शनल टू एंगल अल्फा। जितना जितने एंगल से वो डिफ्लेक्ट करेगा, जो कॉयल जो एरो है, जितना कॉयल में टॉर्क लगेगा उतना ही ये एरो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा स्प्रिंग से, जो कि इस एंगल को वापस लेगा। सो दिस रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। और इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आएगा समथिंग के। सो टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू के अल्फा। एक टॉर्क आ गया हमारे पास एन आई बी ए, और एक टॉर्क कितना आ गया, के अल्फा। ऑब्वियसली जितना टॉर्क कॉयल में लगेगा उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। सो वेयर के इज द टोरोशनल कांस्टेंट, जो टॉर्क इज इक्वल टू के अल्फा आया, तो उसमें के क्या है, उसको हम बोलते हैं टोरोशनल कांस्टेंट। दैट इज टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, कि कितना टॉर्क चाहिए यूनिट एंगुलर ट्विस्ट के लिए, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया दैट इज इक्वल टू टोरोशनल कांस्टेंट के। सो इन इक्विलिब्रियम पोजिशन रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो इक्विलिब्रियम पोजिशन में क्या होगा, जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, उतना ही वो एरो को वापस लेके आएगा एंगल से। सो के अल्फा इज इक्वल टू एन आई ए बी, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, के इज टोरोशनल कॉन्स्टेंट। तो ये चारों क्वांटिटीज क्या है, कॉन्स्टेंट है। सो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के। अगर ये सब कुछ कॉन्स्टेंट है तो यहाँ क्या हो गया, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब जितना ज्यादा करंट पास करेंगे हम रेक्टेंगुलर कॉइल में से, उतना ज्यादा वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली गैल्वेनोमीटर है, क्या बता रहा है, करंट की प्रेजेंस बता रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ज्यादा करंट करेगा, ठीक है। कम करंट करेंगे कम डिफ्लेक्ट होगा, कोई भी करंट नहीं होगा तो जीरो पोजिशन पे होगा बिल्कुल गैल्वेनोमीटर के। क्लियर। सो आई, यहां से अगर हम आई की वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू आएगी के अल्फा बाय एम बी ए। So this K and K by MBA is a constant quantity and we can write it as capital G, where this is G is this a constant and is called galvanometer constant। ये सब quantities constant है, ठीक है। क्या change हो रहा है, current change हो रहा है जिसकी वजह से angular deflection change हो रहा है, ठीक है ना, deflection change हो रहा है। तो I is equal to G alpha, very important formula। G का formula क्या होगा, K upon NBA, जिसमें K क्या है, torsional constant है, N number of turns of coil, B is magnetic field, A is area of rectangular coil। तो इस G को क्या बोलेंगे हम, galvanometer constant। तो यहाँ से एक important definition हम पढ़ सकते हैं, that is figure of merit of galvanometer। So what is figure of merit of galvanometer? So it is defined as the current which produced a deflection of one scale division in the galvanometer and is given by, so G को हम लिख सकते हैं, G figure of merit से भी, G एक galvanometer constant है, इसको figure of merit भी बोलते हैं galvanometer के, that is equal to I upon alpha। यहाँ से देखो हम क्या आएगा, I upon alpha, और इसकी value क्या होगी, K upon NBA। ये हमने यहाँ बता दिया क्या है, K upon NBA। So this is current which produced a वन स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। सो और डेफिनेशन पढ़ते हैं इस पे। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर इज सेट टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट और अ स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड। तो जो इंस्ट्रूमेंट आ गया, हमने देख लिया उसका कंस्ट्रक्शन, देख लिया उसका वर्किंग, देख लिया कि वो टॉर्क पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना डिफ्लेक्शन करेगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी क्या बताएगा, अगर उसमें थोड़ा सा भी करंट पास हो गैल्वेनोमीटर से तो वो डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब उस करंट को नोट कर ले, तो उतना ज्यादा सेंसिटिव है,
क्लियर। सो दो तरह की हम सेंसिटिविटी पढ़ते हैं, वन इज करंट सेंसिटिविटी एंड अदर इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोस थ्रू इट। तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर में, यूनिट करंट जब उसमें आई करंट फ्लो हुआ तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ। सो करंट सेंसिटिविटी इज अल्फा अपॉन आई, दैट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर। अल्फा क्या है? डिफ्लेक्शन है, कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन हुआ व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोस थ्रू इट, व्हेन करंट फ्लोस थ्रू इट। तो अल्फा बाय आई, हमने आई बाय अल्फा का फॉर्मूला देखा था, के अपॉन एन बी ए। तो अल्फा बाय आई क्या हो जाएगा? एन बी ए अपॉन के। सो दिस इज करंट सेंसिटिविटी, आई एस, एस इज फॉर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो ये भी सेम है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? व्हेन अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट, सो द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय इट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो अल्फा बाय वी, और अब हम वी को क्या लिख सकते हैं, हम आई मल्टीप्लाई बाय आर, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है। सो अल्फा बाय आई हमारे पास ये आ गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? बेसिकली करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय आर। मैंने अल्फा बाय आई की वैल्यू यहाँ लिख दी एम बी ए बाय के इंटू आर। तो यहाँ आर का फैक्टर ज्यादा आ जाएगा क्योंकि हमें पता है वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय आर। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? करंट सेंसिटिविटी, जितना करंट सेंसिटिविटी आया डिवाइडेड बाय आर। क्लियर। सो नेक्स्ट इज फैक्टर ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। ये देखो जो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है ये एन पे डिपेंड कर रहा है, बी पे, ए पे और के पे। के पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और टोरेशनल कॉन्स्टेंट पे। एन बी ए अपॉन के किसका फॉर्मूला है? करंट सेंसिटिविटी का। वोल्टेज सेंसिटिविटी में एक रेजिस्टेंस का टर्म फालतू आ जाएगा तो एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो फैक्टर्स बाय विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि हम किन फैक्टर्स से हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की, गैल्वेनोमीटर की, मतलब थोड़ा सा करंट भी वो डिटेक्ट करे। सो हमें पता है करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के। क्लियर, नंबर ऑफ टर्न्स, बट एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, उसके बाद गैल्वेनोमीटर बहुत बल्की हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं जिससे सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और क्या है, हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना, बी की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। और क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे इंक्रीज करते हैं? तभी हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जिसकी हाई परमेबिलिटी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड होती है उसमें, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी अच्छी हो जाती है उसकी। सो नेक्स्ट इज बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल। बस इंक्रीजिंग द एरिया टू अ सर्टेन लिमिट विल मेक गैल्वेनोमीटर बल्की एंड अनमैनेजेबल। तो एरिया ऑफ कॉइल, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो भी तो एक साइज तक ही हम रख सकते हैं ना। मैंने आपको लैब में दिखाया था अभी यहाँ पर कि लैब में ऐसा गैल्वेनोमीटर होता है, तो एक पर्टिकुलर साइज की एरिया बढ़ा सकते हैं, ज्यादा तो एरिया हम उससे नहीं बढ़ा सकते। क्लियर। एंड व्हाट इज फोर्थ, ये तो हो गया एन बी ए और डिवाइड बाय क्या था, के। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाउ द सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टोरेशनल टोरेशनल कॉन्स्टेंट के। द टोरेशनल कॉन्स्टेंट के इज मेड स्मॉल बाय यूजिंग सस्पेंशन वायर एंड स्प्रिंग ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो हम आपसे एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फॉस्फर ब्रॉन्ज क्यों यूज किया हमने, जो स्प्रिंग यूज किया, जो रिस्टोरिंग टोर्क ला रहा है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज क्यों किया? टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टोरेशनल कॉन्स्टेंट। टोरेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज किया। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। सो हमने गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन करना है टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, कैसे होगा? सो इसका एक प्रोसेस है बहुत सिंपल। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हमने गैल्वेनोमीटर बना लिया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, जैसे हम एमीटर बनाते हैं उसको ए से डिनोट करते हैं, ऐसे हम गैल्वेनोमीटर बनाते हैं तो उसको जी से डिनोट करते हैं। ये जी, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। क्लियर, गैल्वेनोमीटर हमारे पास है। अब हम इस गैल्वेनोमीटर एमीटर का काम कैसे करेगा उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए हमने क्या करते हैं, उसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं जिसको शंट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट। सो द लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज कॉल्ड शंट। एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं पैरेलल में जिसको क्या बोलते हैं, शंट। अब देखो एमीटर में हमें क्या होता है, करंट मेजर करना होता है, मतलब उसका कम से कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, उससे भी कम अगर रेजिस्टेंस करना है तो क्या मैं क्या करूंगा,
जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करनी है तो मैं एक पैरेलल में वो रेजिस्टेंस लगा दूंगा, तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? तो एक तरह से ये एमीटर की तरह काम करेगा। सो एमीटर को कनेक्ट करने के लिए याद रखना है रेजिस्टेंस को हमेशा कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। गैल्वेनोमीटर से जब एमीटर बनाते हैं तो एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शंट। सो द लोअर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज कॉल्ड शंट। तो सपोज यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ दो पार्ट्स में करंट डिवाइड हो जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर में करंट चला जाएगा, दैट इज आई जी, और एक टोटल करंट आई है। तो किरचॉफ लॉ से इधर कितना जाएगा, आई माइनस आई जी, करंट आई माइनस आई जी शंट से पास होगा। क्लियर? अब ये दोनों क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वही हम फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस आर इक्वल। सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाना हो तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, जी क्या है सपोज गैल्वेनोमीटर बोला, जिसको हम गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस भी मान लेंगे। सो आई जी इंटू जी, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, एंड दिस इज आई माइनस आई जी इंटू एस इज वोल्टेज अक्रॉस दिस शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम शंट की वैल्यू निकालते हैं, तो शंट की वैल्यू कितनी आएगी, आई जी अपॉन आई जी माइनस आई माइनस आई जी इंटू जी। तो आपको एग्जाम में क्या आएगा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, ठीक है ना। उसकी वैल्यू कितनी होती है, यहां से निकाल सकते हैं, इतनी वैल्यू होती है शंट रेजिस्टेंस की। सो बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द गिवन गैल्वेनोमीटर वी कैन गेट एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। सो हम एक पर्टिकुलर रेंज का एमीटर बनाना हो तो हम उसके हिसाब से यहाँ शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं। क्लियर? ऑल्सो और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आई जी इज एस बाई जी बाई प्लस एस इंटू आई। क्लियर? हैंज एन एमीटर इज शंटेड और लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। तो बेसिकली एमीटर क्या है, एमीटर एक शंटेड है या उसको लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, एंड इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब ये जो है ये रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। अगर आप करोगे 1 बाय जी प्लस 1 बाय एस इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये इतना वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज लेस देन एस। तो जो लो रेजिस्टेंस लगाया था शंट, उससे भी कम है इसका पूरे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये पूरा जो हमारे पास सर्किट बन गया है, किसका बन गया, एमीटर बन गया। क्लियर? और जो आइडियल एमीटर होता है दैट शुड हैव अ जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होता है कि वो सारा करंट अपने अंदर से पास कर पाए और हम उसको मेजर कर सके, ठीक है ना। तो जीरो रेजिस्टेंस होता है, तभी हमने इसको पैरेलल में लगाया कि कम से कम हमारे को रेजिस्टेंस मिले। कम से कम रेजिस्टेंस के लिए हम कोई भी रेजिस्टेंस के साथ इसको पैरेलल में लगाते हैं। अगर हम सीरीज में लगाते तो क्या होता, सीरीज में लगाते तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता, एमीटर ना बनता, ठीक है। तो जब सीरीज में लगाते हैं हम इसको, गैल्वेनोमीटर की सीरीज में हम लगाते हैं रेजिस्टेंस को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, वोल्टमीटर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर पे क्या है, वोल्टमीटर पे जो भी करंट आए, मतलब वहां सारा वोल्टेज ड्रॉप हो, सारा वोल्टेज ड्रॉप हो, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्टमीटर का, उतना ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा और हमारे पास वोल्टेज शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने रेजिस्टेंस को क्या लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। सो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टेड इट इन सीरीज विद अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में, एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज सो एडजस्टेड दैट ओनली करंट आई जी विच प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर पासिस थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो हम इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं आर की वैल्यू के, कि जो इसमें से गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगा जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब पूरा डिफ्लेक्ट कर रहा है, कॉइल में पूरा टॉर्क आ रहा है जिसकी वजह से पूरा डिफ्लेक्ट कर रहा है गैल्वेनोमीटर से, वही करंट यहाँ से पूरे से पास हो। क्लियर? सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर हम ए बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, वी नो वी इक्वल टू आई जी जी प्लस आर, ठीक है ना, आई जी इंटू जी प्लस आर। जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आर इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमने रेजिस्टेंस लगाया सीरीज में हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर लगाने के लिए हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में, और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ग्रेटर देन दिस जी। तो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो वो तो अच्छी बात है ना, क्यों, क्योंकि आइडियली तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि वो सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाए उसके पास। क्लियर? सारा वोल्टेज क्या आ जाए, उसके पास ड्रॉप हो जाए और हमारे को मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, हम अच्छे से वोल्टेज देख पाएंगे। सो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो एमीटर बन जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वोल्टमीटर बन जाएगा, ठीक है। और शंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।